घर में अब भी बहुत काम बाकी है, उन्हें खत्म करो, अंदर जाओ। मैं क्षितिज से मिलूंगी, तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। पवित्रा, तुम भी हिम्मत, मेरा हाथ, रसील भाई मेरा हाथ झटक कर चली गई। मेरी जान, चींटी के पर निकल आए हैं। इस चींटी के पर अच्छी तरह से काटना जानती हूँ मैं। ये नहीं जानती कि इसने कितनी बड़ी गलती की है, नहीं जानती कि मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ। इसे एहसास दिलाना होगा कि ये मेरे एहसानों पर जी रही है, इसलिए मेरे इशारों पर इसे चलना होगा। आने दो इसे, आज इसे पता चल जाएगा कि कजरी से बगावत करने का क्या अंजाम होता है। बड़ी माँ, पता नहीं क्या अंजाम भुगतना पड़ेगा सरस्वती दीदी को। भगवान रक्षा करना। रुको रुको मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे अपने पति से मिलना है क्षितिज गांधी। देखिए, बिना इजाजत आप अंदर नहीं जा सकती और ना ही आज आप उनसे मिल सकती हैं, क्योंकि मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। ऐसा कीजिए कि आप कल आ जाइए मिलने के लिए। अब तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए, सरस्वती किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। चीचू, आप इस बात का ध्यान रखना कि दीदी को ये बात ना पता चले। नहीं पता चलेगा। गरुड़िया परिवार खुशनसीब है तुम जैसी बेटी को पाकर। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तब देखना, उनको तुम पर नाज होगा और वो वक्त जल्दी आएगा। अच्छा चीचू, मैं चलती हूँ। ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए, अभी तक 5 मिनट बाकी है, मैं उनसे मिल सकती हूँ। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वक्त पर वापस आ जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, पर 5 मिनट में बाहर आ जाना। हाँ जी, थैंक यू। मुझसे इस तरह बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? कजरी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाय युवराज, आओ ना, क्या बात है? दरअसल कजरी, मैं अपने आने वाले बच्चे और नियति के बारे में सोच रहा था। डोंट माइंड कजरी, वो है तो मेरा ही बच्चा ना, इसलिए मैंने सोचा है कि जायदाद का 25% मैं उसके नाम करता हूँ। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी जाके लॉयर से बात करता हूँ। पहले सरस्वती और अब ये युवराज,
दोनों का दिमाग खराब हो गया है। एक चौथाई हिस्सा नियति के आने वाले बच्चे के नाम करना चाहता है। मैं अपनी जायदाद से किसको एक पूरी कौड़ी नहीं दूंगी। ना मेरी जान, एक बात मत भूलो कि अब तक जायदाद के कागजात तुम्हारे नाम पर हुए नहीं हैं। ऐसे हालत में युवराज से नाराज होना या उसे गुस्सा दिलाने में नुकसान तुम्हारा ही हो सकता है। बल्कि मेरे नजरिए से देखो और मेरे दिमाग से सोचो तो इसमें भी तुम्हारा फायदा है। वो कैसे? वो ऐसे मेरी जान कि वक्त आ गया है सीधी उंगली को टेढ़ा करने का। कुछ समझी? मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। मैं यहाँ क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। देखो क्षितिज, मुझे मुश्किल से 5 मिनट मिले हैं तुमसे बात करने के लिए। प्लीज मेरी बात सुनो। सरस्वती, तुम यहाँ से जाओ। जाओ? तुमसे बात किए बगैर? आखिर क्या बात है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी तरफ एक बार देखो तो सही। सरस्वती, बेहतर यही होगा कि तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुमसे बात किए बगैर, तुम्हें देखे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। क्षितिज, मेरी तरफ देखो। तुम्हें हमारी बेटी किरण की कसम। क्षितिज, ये सब कैसे? नहीं, वो सरक गिर गया था। झूठ बोल रहे हो ना तुम? जरूरी पुलिस वालों ने परेशान किया है तुम्हें, उन्होंने मारा है ना तुम्हें? मैडम, आपका 5 मिनट का वक्त खत्म हो गया, अब आप जाइए यहाँ से। मैं पूरी कोशिश करूंगी क्षितिज, तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालूंगी। सरस्वती, तुम जाओ यहाँ से। जय श्री कृष्ण। काम कर रहे हो? युवराज, तुमने जो कमरे में मुझसे कहा उस बारे में मैंने बहुत सोचा। तुमने अपने जायदाद से एक चौथाई हिस्सा नियति के आने वाले बच्चे के नाम करके बहुत अच्छा फैसला किया। आखिर नियति का आने वाला बच्चा भी तो करोड़िया परिवार का ही हिस्सा है। मैं भी इस बारे में नियति से बात करने के लिए सोच रहा था। पता नहीं वो ये बात सुनकर खुश होगी भी या नहीं, वो इस बात के लिए मानेगी भी या नहीं। जरूर मानेगी युवराज, जरूर मानेगी। नियति से तुम नहीं बल्कि मैं खुद जाकर बात करूंगी। वो मेरी बात देखना, जरूर मानेगी। नियति मुझे मना नहीं करेगी। जैसे नमन की फिक्र मुझे है, वैसे ही नियति को उसके आने वाले बच्चे की फिक्र होगी। आखिर मैं भी एक माँ हूँ, उसके जज्बात समझती हूँ। कचरी, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। तो बस युवराज, मैं अभी और इसी वक्त जाकर नियति से बात करती हूँ। थैंक्स मुझे समझने के लिए। Ah.
क्या बात है बेटी, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं पंडित जी, बस। पर बेटी तुम्हारा ये हाल, ये कपड़े, आखिर हुआ क्या? बेटी अब डर की कोई बात नहीं, अब तुम देवी माँ के घर में हो और यहाँ सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखो और जाकर मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो। अभी थोड़ी देर में आरती शुरू होने वाली है, जा। ये पंडित जी किस लड़की से बात कर रहे हैं? आखिर बात क्या है? बोलो अब क्या काम है? काम नहीं, तुम पर एक एहसान करना चाहती हूँ। वो क्या है ना नियति, बहुत दिन से मैं देख रही हूँ कि तुम इस हालत में घर का सारा काम कर रही हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें कुछ दान दूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे कि पवित्रा बहुत निर्दयी या कठोर है। अब जब तुम्हारे पेट में युवराज का बच्चा पल रहा है, तो हमने ये सोचा कि तुम्हें थोड़ी भीख दी जाए। वैसे अब जब तुम युवराज की पत्नी ही नहीं रही, तो तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा तो एक नाजायज बच्चा ही कहलाएगा। पवित्रा चिल्लाओ मत, तुमने तो युवराज को डिवोर्स दे दिया, तो मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही होगी। तुम तो बिल्कुल अकेली पड़ गई हो नियति, इसलिए मैंने और युवराज ने ये तय किया है कि इस सारी जायदाद में से कुछ हिस्सा तुम्हारे आने वाले बच्चे के नाम खाने का टुकड़ा समझकर भीख में फेंका जाए। पवित्रा मुझे तुम्हारी या युवराज की भीख की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे मेरे बच्चे के लिए किसी की दया या दान की भी कोई जरूरत नहीं है। नियति आज भी सक्षम है अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए। और हाँ, अब मेरा और युवराज का डिवोर्स हो चुका है और हमारे बीच में कोई रिश्ता बचा नहीं है, और ना ही इस बच्चे का युवराज के साथ। और मेरा बच्चा नाजायज पैदा नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं हर बच्चे के नाम के पीछे उसके बाप का नाम जुड़ा हो। मेरे बच्चे के नाम के पीछे उसकी माँ का नाम जुड़ा होगा, नियति करोड़िया। जाकर बता देना ये बात अपने पति को। We'll be right back.
जाइए पंडित जी। कौन है ये लड़की, यहाँ पे क्या कर रही है, क्यों आई है मंदिर में? इस बेचारी ने अपना घर छोड़ दिया है, इसलिए मंदिर की चौखट पर आई थी। अरे देवी माँ के घर में तो सबके लिए जगह है, इसलिए ये मंदिर के आश्रम में रह रही है। क्या, एक लड़की आश्रम में रह रही है? आप इसे यहाँ पनाह कैसे दे सकते हैं? और इस लड़की के बारे में बिना खुद जाने आप इससे आरती करवा रहे हैं? अरे पंडित जी ये घोर पाप है भाई, घोर पाप है। ये घोर पाप है। बेटा इसमें पाप कैसा, देवी माँ के घर में तो सब एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ आरती करने का सबको बराबर का अधिकार है। भला इसमें किसी के बीते कल को जानने की क्या जरूरत है? जानने की जरूरत है पंडित जी, इससे पहले हमने इसे यहाँ कभी नहीं देखा। इस बात का पता होना चाहिए कि ये लड़की है कौन, कहाँ से आई है। ये औरत सुबह भी थी और फटे हुए कपड़े पहने थे उसने, और हमने तो पंडित जी को इन्हें अपने हाथों से गमछा उड़ाते हुए देखा था। ये सब क्या है पंडित जी, इसको रहने का घर नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको आश्रम में लाकर रखें। आप एक पंडित हैं, एक जवान लड़की को इस तरह आप आश्रम में कैसे रख सकते हैं? अरे इस लड़की की और पंडित जी की नीयत तो पहले ही समझ में आ गई थी जब इन्होंने इसके फटे कपड़ों पर अपना गमछा ओढ़ाया था। भगवान के भक्त और अखंड ब्रह्मचारी होकर ऐसी हरकत, छी 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 छी। अब तो आपको बताना ही होगा कि इस औरत के साथ आपका क्या रिश्ता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये मेरी बेटी जैसी है। आप बाप बेटी के रिश्ते पे लांछन लगा रहे हैं? अरे 20 साल से देवी माँ की जो पूजा अर्चना करके तपस्या की थी, आज वो सब भंग हो गई। पता नहीं इसका चाल चलन कैसा है, चेहरे से ही इसके चाल चलन ठीक नहीं नजर आते। अरे बंद कीजिए सारी बातें, मंदिर जैसे पवित्र स्थान में आप क्यों तमाशा करने जा रहे हैं? अरे ऊपर बैठे भगवान से तो डरिए। अरे ओ पंडित जी, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती, डरने की जरूरत मुझे नहीं आपको है। अरे ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग अपने गुनाहों की माफी मांगने आते हैं, प्रायश्चित करने आते हैं, वहाँ पर ऐसी छोटी और घिनौनी हरकत करते हो। छी, इस बात को मत घुमाओ पंडित, ये लड़की बच्चलन है और ये यहाँ पर नहीं रह सकती। और ऐसी औरत के हाथों में देवी माँ की गरिमा समान आरती को सौंपना घोर पाप है। ये लड़की आरती नहीं करेगी। ये देवी माँ का दरबार है, यहाँ सब एक बराबर है, सबको बराबर अधिकार है, ये लड़की आरती जरूर करेगी। रुक जाओ पंडित जी, ये लड़की आरती नहीं करेगी, हम आखिरी बार समझा रहे हैं आपको, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो।